हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही सस्ते में चार टेबल मैट बनाऊंगी, जो कि डाइनिंग टेबल पर भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं, फिर टेबल पर भी हम लोग प्लेस करके कोई डेकोर आइटम सजा सकते हैं, सेंटर टेबल पर प्लेस कर सकते हैं। इस मैट को बनाने का आइडिया आया तो सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद आए और आप लोगों को भी अगर काम में आए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बैग है, ये लोकल मार्केट में देखिएगा, रोड साइड शॉप में ये सब मिलता है। ये बैग हल्का कुछ आप बहुत अच्छा से कैरी हम लोग कर सकते हैं इस बैग में। तो इस बैग में मैं कैरी करती थी, तो फिर अचानक से आइडिया आया कि चलो इससे आज कुछ बनाऊँगी। इससे जब मैट बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब बनाना तो बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स इसे साफ़ करना भी उतना ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर डाइनिंग टेबल पर आप बिछाया है, अगर कुछ गिर गया है खाने का, तो आप जैसे हम लोग मैट को साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग इसको साफ़ करके मैं देखी तो बहुत ही अच्छा से साफ हो गया, सूख भी गया और इसका साइन भी बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पर दो बैग ली हूँ, एक बैग से दो मैट बनेगा। इसको साइड से काट ली हूँ, फिर बीच से मैं काट रही हूँ, काट कर मैं इसको मेजरमेंट कर ली हूँ। बैग के ऊपर साइड में जहाँ पर हैंडल होता है उस साइड में तो सिलाई किया हुआ है और तीन साइड से फिर मैं सिलूंगी। लंबाई में मैं 14 इंच रखी हूँ और चौड़ाई में मैं रखी हूँ 13 इंच। जिस तरफ मोड़कर सिलाई किया हुआ है, मतलब फोल्ड किया हुआ है, वो 1 इंच का है और मैं तीनों तरफ से ही 1 इंच ही मोड़कर मैं सिलाई करूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नया वीडियो आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब मैं एक पेन और एक स्केल ली हूँ और टेप ली हूँ। 1 इंच का मेजरमेंट लेते हुए कुछ गैप छोड़ छोड़ कर मैं टिक कर रही हूँ, उसके बाद में स्केल से उसका पूरा लाइन खींचूँगी। इस तरह से ना बिल्कुल सफाई से और बराबर से कट होगा। जो फ्रेंड्स लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों के लिए मेरा बहुत 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 सारा थैंक यू। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट बार वॉच कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर 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 लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं अपने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में इस मैट का मेकओवर की हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इतने कम दामों में चार टेबल मैट बहुत ही यूज़फुल सामान है ये, क्योंकि मैट तो हमेशा ही हम लोगों को यूज़ करना होता है। मैं इसे सिलाई मशीन से ही सिलूंगी, पर अगर कोई अगर चाहे तो ग्लू गन के हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा से स्टिक हो जाएगा। ये मैट तो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सस्ता है। इस मैट को एज ए डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो फ्रिज में मैट रखते हैं, फ्रिज में भी हम लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे।
मैं तो मशीन से सिल रही हूँ, आप लोग अगर चाहे तो फिर ग्लूगन के हेल्प से भी आप स्टिक कर सकते हैं। ये तो कॉटन या फिर कोई सिंथेटिक फैब्रिक नहीं है, पर इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छा है। इस पर सिलाई भी बहुत अच्छा से हो गया, इसलिए मैं सोची कि बहुत ही ये यूज़फुल है और इतना ही मतलब सस्ता है कि एक बैग का प्राइस है 15 रुपीज़, तो 15 रुपये में 2 टेबल मैट तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल जीरो के ही बराबर है। और इससे हम लोग बहुत सारा डेकोरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।